and you arrived in Ravi. देखा आप लोगों ने, मैंने बिना देखे कैसे मैंने बोली जनवरी की स्पेलिंग, है ना? आप भी बोलने लगेंगे और एग्जाम में पास होते जाएंगे, अच्छे नंबर लाते जाएंगे और मेरे हर वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको कभी कभार डाउट हो जाता है, तो उस डाउट को क्लियर करने में आती रहती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैंने जो वीडियो डाले हैं, अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो मेरे चैनल पे जाके उस कॉन्सेप्ट के वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मंथ्स ऑफ द ईयर की स्पेलिंग, मतलब 12 मंथ्स की स्पेलिंग। 12 मंथ्स कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स की आज मैं आपको स्पेलिंग सुनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मंथ से। तो पहला मंथ है हमारा जनवरी, यहाँ आ गया है जनवरी साहब, आ गया है। तो जनवरी की स्पेलिंग क्या है आप देख ही रहे होंगे, J-A-N-U-A-R-Y, जनवरी। अब आप सोचोगे मैं जनवरी क्यों बोल रही हूँ, बोलते तो जनवरी है, जनवरी है, लेकिन जो हम जनवरी बोलते हैं वो हिंदी में हम बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आपको जनवरी को बोलना है तो वो होता है जनुअरी, अरी अरी, वरी बोलते हैं ना हिंदी में, और हिंदी में बोलते हैं जनवरी, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं जनुअरी। ओके, तो जनवरी की स्पेलिंग J-A-N, जेन यू यू जेन्यू ए आर वाई अरी, जनवरी, J-A-N-U, जेन्यू ए आर वाई अरी, जनवरी, J-A-N-U, जेनू ए आर वाई अरी, जनवरी। ओके, जनवरी साहब भगे भगे, हाँ। तो आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट फरवरी साहब। फरवरी हम बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम बोलते हैं फेब्रुअरी, F-E-B-R-U, फेब्यू ए आर वाई अरी, फेब्रुअरी, है ना इंटरेस्टिंग। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, भागिए अब आ गया है हमारा मार्च। मेरे को मार्च की स्पेलिंग अच्छे से आ रहा, जब मैं नर्सरी में थी ना तभी मैंने मार्च की स्पेलिंग सीख ली थी, आप भी तभी सीख ली होगी आपने, और अगर नहीं सीखी है तो अभी सीख लीजिए। मार्च की स्पेलिंग है M-A-R-C-H, मार्च, M-A-R-C-H, मार्च। मार्च को हम इंग्लिश में भी मार्च ही कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में भी मार्च ही कहते हैं। नेक्स्ट अप्रैल, अप्रैल आ गया है यहाँ पे, अरे पहले मार्च तो बोलिए जी, अप्रैल जी, अप्रैल जी, आप खुद की स्पेलिंग बोलिए। देखा, इन्हें भी खुद की स्पेलिंग बोली, क्योंकि इन्हें भी अपनी स्पेलिंग याद है। अब मुझे भी आसिया मेरा नाम है तो मुझे भी अपनी स्पेलिंग याद है, A-S-I-Y-A, आपको इनकी स्पेलिंग याद करनी है बस, A-P-R-I-L, अप्रैल, A-P-R-I-L, अप्रैल, है ना, अगली, हाँ। मे, नेक्स्ट है मे, मे की स्पेलिंग किसको नहीं याद है, M-A-Y, मे, मे 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 मे, अगली। नेक्स्ट जून, J-U-N-E, जून, J U से बनता है जू, N E से बनता है न, जून। ओके, जून को हम इंग्लिश में भी जून कहते हैं, हिंदी में भी जून ही कहते हैं। जुलाई आ गए हैं, जुलाई की स्पेलिंग क्या होती है, J-U-L-Y, जुलाई। तो इसमें भी J-U-N-E, जून जैसा ही होता है, बस लास्ट के दो वर्ड थोड़े बदल जाते हैं। इसमें भी होता है J U
जू LY लाई जुलाई या फिर जुलाई जुलाई, आपको हिंदी में भी इसे जुलाई कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे जुलाई कहते हैं। नेक्स्ट अगस्त AU GU ST अगस्त। अब मैं आप सोच रहे होंगे मैं फिर से अगस्त क्यों बोल रही हूँ, बोलते तो ऐसे अगस्त हैं, इसे भी ये भी जनवरी फरवरी की तरह ही है। अगस्त को हिंदी में अगस्त बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में अगस्त बोलते हैं। ओके AUGUST अगस्त AUGUST अगस्त। ओके नेक्स्ट सितंबर। आपको ये बहुत टफ और बहुत बड़ी स्पेलिंग लग रही होगी है ना, लेकिन अब नहीं लगेगी क्योंकि आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं। तो आप फिर से सॉरी आप अपनी स्पेलिंग पढ़ के सुनाइए। September सितंबर। तो इन्हें अपनी स्पेलिंग पढ़ के सुना दी है, अब आपको पता चल गया है स्पेलिंग कौन सी है, पता चल गया ना ये स्पेलिंग कितनी आसान है। अब नेक्स्ट अक्टूबर। अक्टूबर की स्पेलिंग क्या होती है ये भी आपको बड़ी लग रही होगी है ना, टफ भी लग रही होगी लेकिन है बहुत इजी है ना। तो अक्टूबर की स्पेलिंग है OCTO अक्टू BER बर बर कर, अगर कर लिखना हो तो KER लिखते कर, अब इसमें बर लिखना है BER बर अक्टू बर। चलिए जाइए नेक्स्ट नवंबर। ये हमारा 11वां महीना चल रहा है ना। नवंबर, नवंबर की स्पेलिंग होती है NOVE नवे MBER मर नवंबर है ना, NOVE MBER नवंबर। चलिए अब ये आ गए हैं हमारे 12वें महीने पे, मतलब लास्ट महीने पे हम आ गए हैं। तो ये क्या है दिसंबर, इसकी तो बड़ी इजी है, इजी है DECE दिसें MBER बर दिसंबर DECE MBER दिसंबर DECE MBER दिसंबर। अब पढ़ने लगे ना आप आंख बंद करके सब कुछ, मतलब बोलने लगे ना सारे मंथ्स की स्पेलिंग एक के बाद एक मंथ्स आते हैं। दो मंथ्स लिया है अब बाकी के मंथ्स अपने आप आएंगे। ये 12 मंथ्स की स्पेलिंग तो आपको याद हो ही गई होगी है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बड़ा सा लाइक मुझे दे दीजिए, एक बड़ा सा लाइक मुझे दे दीजिए और मुझे एक सब्सक्राइब भी दे दीजिए, मतलब सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ जो आपके काम के हैं बहुत। तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। नई ट्यून माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, वंस अगेन बाय बाय।